हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस अंडर ट्वेंटी फोर सेवन माई सेफ फर्स्पीड कॉ यो फिजिक्स एजुकेटर सो आज मैं आपके सामने बेटा एक बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आई हूँ एंड मैं यूजली तभी वीडियो बनाती हूँ बेटा जब मुझे लगता है कि इस वीडियो से बच्चों को हेल्प मिल सकता है एंड यू शुड गेट अवेयर ऑफ़ दीज फैक्ट्स यू शुड गेट अवेयर ऑफ़ दीज थिंग्स एंड आप इसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन को प्रेस करें अगर अभी तक आप एक न्यू यूज़र हैं और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आपके लिए ये चैनल बहुत ही यूजफुल रहने वाला है आपकी अपकमिंग डेज़ की जर्नी के लिए दूसरी बात ये बोलना चाहेंगे आप चाहे टेंथ के स्टूडेंट हो चाहे आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो आप अभी जो है अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं काफी सारे स्टेट बोर्ड ने ऑलरेडी रिजल्ट जो है डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया है आई बोर्ड की बात करें आई एस बोर्ड की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी डिजी लॉकर को जो है लिंक को जो है बेटा एक्टिव करना स्टार्ट कर दिया है और ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि बहुत जल्दी आपका रिजल्ट जो है उस ऊपर अपलोड हो जाएगा तो इसी पे जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं ना वो बढ़ चढ़ कर ये मेल्स कर रहे हैं मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम हमें भी बता दीजिए कि कब रिजल्ट आने वाला है ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं इस चैनल पर बट मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ बेटा पूरा कंप्लीटली कि जब रिजल्ट आ जाएगा कहानी तो असली उसके बाद की शुरू होगी बच्चे को समझ नहीं आता उस टाइम पर रिजल्ट देखना कैसे है तो रिजल्ट इज गोइंग टू बी आ, है ना डिक्लेयर्ड अगर हम बात करें तो सिक्स ऑफ मई से लेकर पंद्रह ऑफ मई इसके बीच का मैंने आपको जो है ड्यूरेशन दिया हुआ है ऑलरेडी बताया हुआ है बट यहाँ पे मैं आपको कुछ शो करना चाहूंगी बेटा ये एक नोटिस रिलीज किया गया था लास्ट ईयर आप डेट देख सकते हैं दस पांच दो हजार तेईस को और इसके जस्ट दो दिन बाद यानी कि बारह तारीख को आपका जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर कर दिया गया था तो इस तरीके का एक नोटिस रिलीज किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि आपको रिजल्ट किस तरीके से देखना है कैसा चीज़ें रहेंगी तो ये मेक श्योर sure करो बेटा कि आप अभी तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि आपका कल ही रिजल्ट आ रहा है नहीं ऐसा नहीं है इट विल टेक सम टाइम अभी सारी चीज़ें इन प्रोसेस चल रही हैं सो बेटा जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा उससे पहले एक नोटिस रिलीज किया जाता है इस तरीके से ठीक है इसमें यहां पे बेटा क्लास टेंथ हो या ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हो उनको बताया गया था कि आप रिजल्ट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स दी गई थी है ना सीबीएसई की अगर हम बात करें और साथ ही साथ आपको यहां पर डिजी लॉकर के बारे में समझाया गया था तो डिजी लॉकर का पूरा का पूरा यूजर मैनुअल मैं आपको आज यहां पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ आप ये जो पूरे स्टेप्स हैं बेटा मेक श्योर करें कि आप कहीं नोट कर रहे हैं प्लीज ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो आपको है ना पैनिक ना क्रिएट हो उस टाइम पर ऐसा ना लगे यार हम रिजल्ट कैसे देखें अपने फ्रेंड को फोन कर रहे हैं यार अपना रिजल्ट बता दे

सी बी एस and डॉ निक डॉट और additionally बेटा डिजी या रिजल्ट ये सब वेबसाइट्स हैं आपके सामने जो बताई गई हैं आप इनके ऊपर रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं बाकी इस चैनल के ऊपर तो आपको अपडेट मिल ही जाएगा बेटा जैसे ही रिजल्ट आएगा अब मैं आपको बताने वाली हूँ सिक्योरिटी पिन के बारे में ये बहुत जरूरी रहता है बेटा तो जो स्कूल्स होते हैं ना स्कूल्स में जो टेंथ क्लास uh, के बच्चे हैं जो ट्वेल्थ क्लास के बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है ना और वो लिस्ट सीबीएसई को सबमिट करी जाती है जिसके बेसिस पर जो सीबीएसई है हर एक स्टूडेंट के लिए एक सिक्योरिटी पिन रिलीज करता है और वही सिक्योरिटी पिन आपको डिजी लॉकर के वेबसाइट पर जाकर डालना पड़ता है तभी आपका बेटा आप रिजल्ट वहां पर एक्सेस कर सकते हैं तो यहां पर कुछ स्टेप्स जो थे वो स्कूल्स के लिए बताए गए थे कि वो सिक्योरिटी पिन कैसे पा सकते हैं ये दो स्टेप्स आपके लिए मैंडेटरी नहीं है जरूरी नहीं है जानने क्योंकि ये स्कूल्स वालों का काम है आपका सिक्योरिटी पिन आपको स्कूल से लेना पड़ेगा और उस सिक्योरिटी पिन के साथ करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है डिजी लॉकर की उसके ऊपर जाकर लॉग करना होगा यानी कि सीबीएसई सर्विस डॉट डिजी लॉकर डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर बेटा आपको लॉग इन करना है इसमें आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड विद द अकाउंट कन्फर्मेशन तो इस पर क्लिक करने के बाद यहां पे बेटा आपको तीन चीजें भरनी होंगी फर्स्ट इज योर स्कूल कोड जो आपको स्कूल के द्वारा दिया जाएगा देन इज योर रोल नंबर एंड देन सिक्स डिजिट सिक्योरिटी पिन अगर आपको सिक्स डिजिट सिक्योरिटी पिन स्कूल ने नहीं प्रोवाइड किया है तो आप डिजी लॉकर के थ्रू अपना जो पूरा रिजल्ट है बेटा वो नहीं चेकआउट कर पाएंगे वंस यू हैव फिल्ड द सिक्स डिजिट सिक्योरिटी पिन देन उसके बाद आप बेटा उस पर ओके okay, क्लिक करेंगे नेक्स्ट क्लिक करेंगे देन आपको यहां पर अपनी डिटेल्स भरनी होंगी ठीक है आपका नाम देन जैसे ही आप बेटा इस पर फिल करेंगे ना सो योर बेसिक डिटेल्स एज शोन एंटर योर टेन डिजिट मोबाइल नंबर एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन बेटा आपको यहां पर अपनी बेसिक डिटेल्स भरते हो अपना मोबाइल नंबर डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है बेटा सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी वेरिफिकेशन के लिए कि आपने सही मोबाइल नंबर भरा है या नहीं आप उस ओ को दोबारा से सबमिट करेंगे और आपका डिजी लॉकर जो डिजी लॉकर का अकाउंट है उसका कन्फर्मेशन हो जाएगा यानी कि अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा उसके बाद बेटा आपको यहां पर इशूड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना होगा होम पर जाकर इश्यूड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होगा जैसे ही आप इश्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं बेटा यहां पर ही आपका जो रिजल्ट है वो शो किया जाएगा ठीक है इन केस इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजिंग डिजी लॉकर दैट इज योर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर यू मे बी प्रॉम्प्टेड विद द फॉलोइंग मैसेज दैट प्लीज क्लिक ऑन और गो टू द डिजी लॉकर अकाउंट अगर आपका पहले बेटा ये नंबर डिजी लॉकर के साथ जो है रजिस्टर है या दसवीं में आपका जो है है ना रिजल्ट जो था वो डिजी लॉकर पे आया था उस केस में तो आपको लॉग इन ही करना है अकाउंट दोबारा से क्रिएट नहीं करना है ठीक है नेक्स्ट अगर हम आगे चले बेटा यहाँ पे फॉर डिजी लॉकर अकाउंट्स एक्टिवेटेड यूजिंग सिक्स डिजिट पिन ठीक है इट विल बी रिक्वायर्ड सो सिमिलर टू द बफ प्रोसेस द मार्कशीट्स आर ऑटोमेटिकली पुश्ड टू द इशूड सेक्शन ठीक है इशूड सेक्शन में बेटा डायरेक्टली आपकी जो मार्कशीट्स हैं वो आ, लगा दी जाती हैं अपलोड कर दी जाती हैं और आप उनको एक्सेस कर सकते हो ठीक है सो आई होप बेटा ये स्टेप वाइज जो गाइड थी आपके लिए बहुत ही यूजफुल थी एंड आप इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो ये स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन जो आउटसाइड इंडिया के लिए हैं उनके लिए भी यहाँ पर बताई गई हैं ये जो डॉक्यूमेंट है मैंने पूरा का पूरा बेटा कहां पे अपलोड कर दूंगी यहाँ पर अपलोड कर दूंगी आर्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप पर जाना के ट्वेल्थ सेक्शन में जाके कम्युनिटी ग्रुप पे फिजिक्स बाय आयत मैम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ये वाला जो पूरा पीडीएफ है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा जरूरी यह है जानना बेटा कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आप ये प्रोसेस करें उससे पहले बेटा आपको ये प्रोसेस करने हैं यानी कि आपको स्कूल वालों के साथ इन टच रहना है कि आपको जो सिक्योरिटी पे ना वो प्रोवाइड कर दिया जाए बिकॉज जो ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा वो क्रैश होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए ठीक है एंड इसके अलावा बेटा अगर कोई टेंथ वाला बच्चा है वो इलेवेंथ में आगे घबरा रहा है कौन सा स्ट्रीम लेना है कैसे पढ़ना है क्या होगा कैसे सिलेक्शन होगा नीट में आगे जाना है जेई में आगे जाना है तो आपके लिए चैनल बहुत यूजफुल रहने वाला है बेटा तो इस चैनल

डिसाइड करना है तो इसमें अच्छा रैंक इसमें अच्छा स्कोर करना है इसकी और विदिन थ्री डेज आपका जो टेस्ट सीरीज है आपके पास पहुंच जाएगा दिस इज दीरीज फॉर साइंस ऐसे ही आर्ट्स ऐसे ही कॉमर्स सबके लिए बेटा जैसे आप बायनो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कोल्ड डालना है इसकी जो कॉस्ट है वो है बहुत कम ठीक है यहाँ पे वाई फाइव फोर नाइन एस डालते ही आप एंटर करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा कम पड़ेगी नाइन फोर्टी नाइन रुपीज़ में यू विल बी गेटिंग दिस टेस्ट सीरीज जिसमें आपके पास मॉक टेस्ट ऑफलाइन घर आ रहे होंगे पीवाईपी की बुक्स घर आ रही होंगी और साथ ही साथ बेटा ओ एम आर शीट्स भी घर आ रही होंगी जिस पर आप टाइम मैनेज करना भी सीखेंगे कि आप पेपर को जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप क्या लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हैं अपना पेपर की नहीं तो उसके लिए बेटा दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड अगर आप हमारे साथ बेटा पढ़ना चाहते हैं लाइव बैचेस में जिसमें भी आपको हाइब्रिड टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है इस टाइम पर तो उसमें भी फिफ्टी परसेंट बेटा कोड जो है वो एप्लीकेबल रहेगा आप एम प्लस प्रैक्टिस बैच में इनरोल कर सकते हैं ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो आई होप बेटा आप जो है जाकर ये वाले प्रोसेस को है ना फुलफिल कर लेंगे आप अपने स्कूल वालों के साथ कनेक्टेड रहिए एंड टेंशन मत लीजिए आपको क्या लगता है कि छह तारीख से लेकर पंद्रह तारीख के बीच में कब आने वाला रिजल्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना विश यू गुड लक